नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला निबंध महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा। यह निबंध प्रोफेसर हर महेंद्र सिंह बेदी जी द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितने ही वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें पंजाब के अनेक वीर सपूतों के नाम शामिल हैं, जैसे कि भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी, लाला लाजपत राय जी वगैरह। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में काफ़ी पढ़ा है। आज हम ऐसे ही पंजाब के एक वीर सपूत मदन लाल ढींगरा के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि उन्होंने देशवासियों में देश की स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी उसको जलाने का काम किया। उनमें एक जो अभी प्रेरणा भरी कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस निबंध को पढ़ने के बाद एक तो आपको मदन लाल ढींगरा जी के महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलेगी, दूसरे आपके अंदर भी उनके जैसी देश प्रेम की भावना का विकास होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मदन लाल ढींगरा जी के जीवन के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदन लाल ढींगरा को जाता है। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ। संपन्न मतलब भरे भूरे परिवार में हुआ। उनके पिता साहिब गुरदित्ता मल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। देखो कितने अच्छे पद पर सुशोभित थे, जिससे पता चलता है कि ये आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत थे, यानी कि इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। सेवा मुक्त होकर वे अमृतसर में रहने लगे। मदन लाल शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। हर बात को वह तर्क के तराजू में तोलकर देखा करते थे। तर्क के तराजू में तोलना बेटा, हर बात को ये देखना कि ये सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, इसके पीछे क्या कारण है। बचपन की कई ऐसी घटनाएं मदन लाल ढींगरा के आत्मविश्वास को अभिव्यक्त करती हैं। भले ही मदन के परिवार में राष्ट्रभक्ति की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, परंतु वह खुद शुरू से ही देशभक्ति के रंग में रंग गए थे। बेटा जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि उनके पिताजी गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे, क्योंकि तब अंग्रेजों का राज था तो वो अंग्रेजों के नौकरी किया करते थे, तो वहाँ पर तो देशभक्ति की संभावना ना मात्र ही थी, होने के ना के बराबर ही थी। लेकिन इनको शुरू से ही देशभक्ति की ललक लग गई थी। लाहौर कॉलेज में पढ़ते हुए उन्हें देशभक्ति के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते हुए वे क्रांतिकारी गतिविधियों में जाते थे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाला गया, छोड़ना पड़ा उन्हें कॉलेज, क्योंकि कोई कॉलेज का कोई भी छात्र किसी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधि में भाग नहीं ले सकता था। कॉलेज छोड़कर उन्होंने कई धंधे किए, जिनमें कारखाने की मजदूरी तथा अपना गुजारा करने के लिए रिक्शा और टांगा चलाना तक भी शामिल है। तो कॉलेज को छोड़कर अपना गुजारा तो करना ही था, तो उन्होंने रिक्शा टांगा भी चलाया, मजदूरी भी की। घर में केवल उनके बड़े भैया ही उनकी बात को सुनते हुए समझते थे। बड़े भैया के कारण ही वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। तो उनके भाई की बदौलत वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हुए। उनके भाई ने ही उन्हें इंग्लैंड भेजा। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यांत्रिकी अभियांत्रिकी, यंत्र यानी कि बेटा मशीनें, तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, यानी कि जो मशीनों से संबंधित, मशीनों को ठीक करना, उनको कैसे चलाया जाता है, इससे संबंधित जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है उसकी डिग्री में उन्होंने दाखिला ले लिया। ये मदन लाल ढींगरा के जीवन का नया मोड़ था। भाई की सहायता के बिना ये संभव नहीं था। विदेश में रहकर अध्ययन करने में उनके बड़े भाई ने तो उनकी मदद की ही, परंतु इसके साथ साथ इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने भी उनकी आर्थिक सहायता की, यानी कि उनके भाई के साथ साथ एक दो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी उनकी रुपये पैसे से मदद की। लंदन में मदन लाल ढींगरा भारत के प्रखर राष्ट्रवादी नेता दामोदर सावरकर तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। कौन से दो नेताओं के संपर्क में आए बेटा? विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने उनके संपर्क में आने पर यहाँ अपने को गौरवान्वित महसूस किया।
वहीं सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा भी मदनलाल ढींगरा की देशभक्ति से प्रभावित हुए। जाने की दोनों ही तरफों में क्या था कि दोनों ही जो धीरें थी वो एक दूसरे से प्रभावित थी। कहा जाता है कि सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया था। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मदनलाल ढींगरा लंदन में कौन सी क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने? अभिनव भारत संस्था के, और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। तो इसके मेंबर बनने पर उन्हें क्या दिया गया? हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग सिखलाई। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो बेटा उस समय अंग्रेजों का राज था, भारत में तो उच्च शिक्षा को कोई ज्यादा प्रबंधन नहीं था, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अक्सर ही विद्यार्थी लंदन जाया करते थे। तो लंदन में रहने वाले जो भारतीय छात्र थे उनमें राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार करने के लिए ही लंदन में एक इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मदनलाल भी इंडिया हाउस में ही रहते थे। उन दिनों खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतेंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया, यानी कि कई देशभक्तों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन घटनाओं में मदनलाल ढींगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत और बदले की भावना को जन्म दिया, यानी कि जो भी वहां पर क्रांतिकारी काम करते थे इनकी मौत के कारण, जिनको हमने ऊपर पढ़ा खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, कई देशभक्तों को मारने के कारण इन क्रांतिकारियों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भर गया और इन्होंने बदला लेने की ठान ली। 1 जुलाई 1909 को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य, जिनमें अंग्रेज भी सदस्य थे, वार्षिक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। कौन सी संस्था का वार्षिक दिवस बेटा? भारतीय राष्ट्रीय संस्था। इसी समारोह में करजन वायली भी अपने परिवार समेत आया था। वह उस समय स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। मदनलाल ढींगरा ऐसे अधिकारियों से नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे बेटा? मदनलाल ढींगरा का मानना था कि ऐसे नीच अधिकारियों ने हजारों भारतीयों को केवल गुलाम ही नहीं बनाया, एक उनका गुनाह क्या है, उन्होंने भारतीयों को अपने गुलाम कर रखा है, बल्कि बिना किसी कारण मौत के घाट भी उतारा है, और दूसरा कारण गुलाम तो बनाया ही बनाया, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उसे वो बिना ही किसी कारण मौत के घाट उतार देते थे, यानी कि मार देते थे। 22 वर्ष के नौजवान ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और करजन वायली को 7 गोलियों से वहीं ढेर कर दिया। मदनलाल ढींगरा सच्चे देशभक्त थे, वे भागे नहीं बल्कि बड़े आराम से अपना चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने भरी सभा में अपने देशभक्त होने का साक्ष्य दिया। साक्ष्य मतलब प्रमाण दिया, सबूत दिया। अगर वो भाग जाते फिर तो वह गद्दार कहलाते, लेकिन वो भागे नहीं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि उन्होंने जो किया सोच समझ कर किया, सूझबूझ के साथ किया, अपनी मर्जी के साथ किया। 1909 में अंग्रेजों के लिए यह पहली साहसपूर्ण चेतावनी थी कि भारतीय अपना देश आज़ाद करवाना चाहते हैं तथा आज़ादी के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मदनलाल ढींगरा ने बंग भंग आंदोलन के समय भी लंदन की गलियों को वंदे मातरम से गुंजाया था। तो प्यारे बच्चों, अब आप 9वीं कक्षा में हो तो 8वीं कक्षा में SST में आपने जो 1857 का विद्रोह और उसके बाद की जो घटनाएँ पढ़ी होंगी, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, तो उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था कि जो बंगाल की आपने विभाजन किया है उसको रद्द कीजिए। तो उस समय जानने की 1905 के समय में उन्होंने लंदन की गलियों को वंदे मातरम से गुंजाया था। लंदन की गलियों में भी वंदे मातरम के नारे लगाया करते थे। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घूमा करते थे। अपनी हर पुस्तक के ऊपर मदनलाल ढींगरा ना लिखकर, यानी कि अपना नाम नहीं लिखते थे बल्कि वंदे मातरम लिखा करते थे। मदनलाल ढींगरा उच्च आदर्शों के स्वामी थे, यानी कि वे अपना जीवन आदर्शों के आधार पर जीते थे। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी खूब जानते थे। हमारी भारत की संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनका भी बहुत अच्छे से वे पालन किया करते थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 को अभियोग चलाया गया। अभियोग मतलब मुकदमा। मदनलाल ढींगरा ने अदालत में बड़े खुले शब्दों में कहा, क्या कहा बेटा ध्यान से सुनिएगा,
मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन भारत माँ को समर्पित कर रहा हूँ। आप याद रखना कि भारत के सुनहरे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी ही भारत माँ स्वतंत्र होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर एक नागरिक को अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का अधिकार है। अंग्रेजों को कोई हक नहीं कि वे बिना किसी कारण भारतीयों को गुलाम बनाकर रखें। यानी कि खुली अदालत में भी लोगों के सामने उन्होंने देशभक्ति के लिए जो संग्राम था उसको आगे जारी रखने का संकेत दिया। केवल अपने आप तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि कोई भी नागरिक ऐसा करने का हक रखता है, वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटो विले की जेल लंदन में फांसी की सजा दी गई थी। यानी कि उसी साल उनको फांसी की सजा दे दी गई थी जिस साल उन पर मुकदमा चलाया गया था। ये वही जेल थी जहां शहीद उधम सिंह को भी फांसी दी गई थी। आयरिश लोगों ने मदनलाल ढींगरा की हिम्मत को सराहा, क्योंकि वे खुद इंग्लैंड में रहकर अपनी आज़ादी के लिए यूज रहे थे। मिस्टर V.S. ब्लंट, जो उस समय इंग्लैंड के मेंबर पार्लियामेंट थे, ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने किसी ईसाई को भी इतने आत्मसम्मान और आत्मबल के साथ न्यायपालिका का सामना करते हुए नहीं देखा। न्यायपालिका, बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि कोर्ट में जब उनको ऊपर मुकदमा चलाया गया था तो उन्होंने कोर्ट में ही अपना बयान दिया था कि हर एक भारतीय को ऐसा करने का हक है, अंग्रेज बिना कारण किसी भी भारतीय को गुलाम नहीं बनाकर रख सकते। ढींगरा की महान शहादत को याद करते हुए लाला हरदयाल ने कहा, ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदनलाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की आवाज़ को दबा दिया है, परंतु वास्तविकता यानी कि सच्चाई ये है कि यही आवाज़ भारत को स्वतंत्र बनाएगी। यानी कि अंग्रेज ये ना समझे कि अगर एक मदनलाल ढींगरा को उन्होंने फांसी दे दी तो आज़ादी के लिए जो आवाज़ उठाई थी वो दब गई, नहीं, बल्कि ऐसी आवाज़ आगे के लिए देशभक्तों के दिल में आज़ादी की चिंगारी को और भड़काएगी। श्रीमती एनी बेसेंट ने मदनलाल ढींगरा की शहीदी पर कहा था कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक मदनलालों की ज़रूरत है। मदनलाल की शहीदी से प्रभावित होकर ही वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने उनकी स्मृति में मदन तलवार नामक पत्रिका निकाली। बाद में यह पत्रिका क्रांतिकारियों की विचारधारा की संवाहक बनी। 16 अगस्त 1909 के डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का जोश भरा वक्तव्य छपा जिसमें उन्होंने कहा था, एक हिंदू होने के नाते मैं अनुभव करता हूँ कि गुलामी राष्ट्र देवता का अपमान है। यानी कि अगर आप गुलाम हो तो समझिए कि आप अपने राष्ट्र देवता का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्र तो आपको अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ना ही होगा। राष्ट्र पूजा ही राम और कृष्ण की पूजा है। अगर आप गुलाम होकर भगवान की पूजा करते हो तो व्यर्थ है, क्योंकि जब आप गुलाम हो तो अपने राष्ट्र की पूजा करो, वही भगवान है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूँगा जब तक भारत माँ स्वतंत्र ना हो जाए। यानी कि मरने से पहले जो उन्होंने अपना बयान दिया था वो छपा था न्यूज़पेपर में कि उनके कैसे भाव थे, कैसा उनमें जोश था। ब्रिटिश सरकार ने मदनलाल ढींगरा की देह को लावारिस करार देकर दफना दिया। बेटा जैसे हमने पढ़ा था ना कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो लाशें थी, देह थी, उनको भी मिट्टी का तेल डालकर अंग्रेजों ने जला दिया था और आधी जली लाशों को ही सतलुज दरिया में बहा दिया था, वैसा ही इनके साथ किया गया कि उनकी देह को लावारिस करार दे दिया गया। यानी कि कह दिया गया कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो इसका संस्कार जो था वो वहीं पर कर दिया गया लंदन में। वीर सावरकर जी ने ढींगरा की देह को प्राप्त करने के लिए अंथक प्रयत्न किए, काफ़ी कोशिशें की, क्योंकि इंग्लैंड में लंदन में वही थे उनके साथ, परंतु वे सफल नहीं हुए क्योंकि सरकार का कहना था कि वे उनके संबंधी नहीं हैं, ब्लड रिलेशन में नहीं थे ना। कई वर्षों बाद जब 13 दिसंबर 1976 को, देखो 1909 में उनको फांसी दी गई, देखिए अब कितने सालों के बाद, जो लगभग 67 ईयर्स के बाद उनको महान उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई थी, जब उसी समय मदनलाल ढींगरा की अस्थियों को भी मातृभूमि का स्नेह प्राप्त हुआ। यानी कि जिस दिन को उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई थी उसी दिन मदनलाल ढींगरा की अस्थियां भी
भारत लाएगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको महान देशभक्त मदन लाल ढींगरा जी के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा और आप इसका अभ्यास आसानी से कर पाओगे। तो आइए बच्चों, अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ? तो हम पढ़ चुके हैं, मदन लाल ढींगरा का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ। मदन लाल ढींगरा को लाहौर कॉलेज की पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? बेटा, हमने पढ़ा था कि देशभक्ति के कारण उन्हें लाहौर कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपना गुजारा कैसे किया? कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कारखाने में मजदूरी की, रिक्शा और टांगा तक भी चलाया। वे इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? वे इंग्लैंड में यांत्रिकी अभियांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे। मदन लाल ढींगरा किस क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने थे? मदन लाल ढींगरा अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है बच्चों, करजन वायली कौन था? करजन वायली स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, इसलिए उसे स्टेट ऑफ इंडिया वो कहते थे। मदन लाल को फांसी की सजा कब दी गई? तो हमने अभी अभी पढ़ा, 17 अगस्त 1909 को मदन लाल को फांसी की सजा दी गई। कहाँ दी गई थी बेटा? लंदन की पेंटोविले जेल में। शहीद मदन लाल ढींगरा की अस्थियां भारत भूमि कब लाई गई? 13 दिसंबर 1976 को। तो आइए बच्चों, अब बड़े प्रश्न देख लेते हैं। मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की क्यों ठानी? तो इसमें आप लिख सकते हो कि अंग्रेजों ने बिना किसी कारण अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाया और बहुत से देशभक्तों को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए मदन लाल ढींगरा ने उनसे बदला लेने की ठानी। करजन वायली को मदन लाल ढींगरा ने क्यों मारा? तो इसका उत्तर बिल्कुल पहले की तरह ही आएगा। करजन वायली जैसे अंग्रेज अफसरों ने बहुत से भारतीयों को गुलाम तो बनाया ही, मौत के घाट भी उतार दिया, इसी कारण मदन लाल ढींगरा ने बदला लेने के लिए करजन वायली को मारा। मदन लाल ढींगरा की शहादत पर लाला हरदयाल ने क्या कहा? तो आपको बुक में वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। लाला हरदयाल ने कहा था कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है, राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदन लाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की आवाज़ को दबा दिया, परंतु वास्तविकता ये है कि यही अंग्रेज भारत को, यही आवाज़ भारत को स्वतंत्र बनाएगी। तो बच्चों, आगे बड़े प्रश्न हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। तो मदन लाल ढींगरा की देशभक्ति से संबंधित जितनी भी आपको लाइनें मिले वो आप लिख सकते हो, जैसे कि मदन लाल ढींगरा एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, उनके परिवार में देशभक्ति की कोई परंपरा ना होते हुए भी वे बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे गए। आप अपने माइंड में पॉइंट ना के याद कर लीजिए। दूसरा कि उन्होंने देशभक्ति के कारण कॉलेज को भी छोड़ दिया और रिक्शा और टांगा चलाकर अपना गुजारा किया। तीसरा आप लिख सकते हो कि लंदन में पढ़ते हुए भी उन्होंने क्रांतिकारी संस्था को ज्वाइन किया, क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने। कौन सी क्रांतिकारी संस्था के बेटा? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने। चौथा आप लिख सकते हो कि अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उन्होंने एक अंग्रेज अफसर करजन वायली की हत्या कर दी और देशभक्ति का सबूत देते हुए अपने आप को गिरफ्तार भी करवा दिया। उनकी देशभक्ति के कारण ही उन्हें फांसी की सजा दी गई, यानी कि क्योंकि उन्होंने करजन वायली को मारा था। क्यों मारा था? देशभक्ति के कारण, उसी कारण उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। नेक्स्ट है बच्चों, आपको शहीद मदन लाल ढींगरा से के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें मदन लाल ढींगरा के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास, निडरता और साहस जैसे गुण होने चाहिए,
मुसीबतों का हमें डटकर सामना करना चाहिए और अपने राष्ट्र की पूजा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। धन्यवाद।